कहाँ से पैसे लेने? सर सुपरवाइजर ही आते हैं। बुलाएं उसको, बुलाएं उसको। फोन नहीं है अभी मेरे पास। तीस रुपये पर्ची तो लाए ने, दो कटियाँ सी लाइया ने, साठ रुपये में लाए ने दो पर्चियाँ, दो कटियाँ। नाजरीन ये देखे, दस रुपये वाली पर्ची है और फी बाइक 20 रुपए की जो है ना हेयर फेयर कर रहे हैं। यहाँ पे डॉल्फिन के इजराज मौजूद हैं। सर ये इधर आए सर। सर ये अपने नायक का ये देखें, सारी ये टेम्पर्ड है, ये इसी है, टेम्पर पे ही आए हैं। ये देखें हर पर्ची पे से ये मिटाया गया और ये असल है जो, और बाइक की पर्ची पे गाड़ी की भी पार्किंग दे रहा है। बिल्कुल, ये अभी क्या करेंगे इनके? ये इसकी जो कानूनी कार्रवाई ना वो होगी, हम निकाल दे रहे हैं वो थाने से। बुलाएं यार बंदा, बुलाएं नहीं इसको ही ले जाते हैं, वो खुद ही आ जाएगा। वो बंदा ही बुलाएं और अपना वो सुपरवाइजर बुलाएं। आ रहा है सुपरवाइजर, बुलाएं। कितने पैसे सुबह से कमाए? ये दें इनको वापस, दें यार, दे दिए उनको भाई, इनको जिनसे दें यार, अपनी किसी से परचेस ने ज्यादा चार्ज किया। नंबर दे यार, नंबर दे इसके अंदर, नंबर दे रहे हैं यार, ये इसको नंबर दे दो। हेलो लाभ नाजरीन, इनकी हरकत देखें कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कितनी देर लगा के अब ये कुछ 150-200 पर्चियाँ हैं, ये शायद इससे भी ज़्यादा है। हर पर्ची के ऊपर से 10 रुपये को इस तरह से मिटाया गया, इस तरह से मिटाया गया कि इस पर तो मेरा लग रहा है कि एक एक पर्ची पे जो है कोई एक एक दो दो तीन तीन मिनट रिक्वायर्ड होंगे कि आपने इस अंदाज में 10 को मिटाना है कि पर्ची ख़राब भी ना हो। और ये देखें अभी ये बिल्कुल ठीक हालत में है। मोटरसाइकिल की पर्ची पे गाड़ी लगवाएं, बाइक लगवाएं, 100 लें 50 लें जो मर्जी करें, और फिर नीचे लिख देंगे कि भाई सवारी अपनी बाइक की जिम्मेदार खुद है, आप यहाँ पे खड़ा करके जाएं, इन्हें 100-150 रुपया भी दें और ये हिफाजत आपकी बाइक की नहीं करेंगे। इमरान साहब इनके सुपरवाइजर। हाँ जी आ रहे हैं अभी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी यार, बात करें उनसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम यार, इमरान आई यार इधर यार, इमरान साहब वो मीडिया वाले ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਜਾਓ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਆਪ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ, ਆਪ ਸੁਣਾਓ ਕਿਧਰ ਹੈਂ ਆਪ? ਠੀਕ ਹੋ ਸਿਹਤ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪ ਕਿਧਰ ਹੈਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਾਏ ਨੇ ਬਤਾ ਇੱਥੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। मैं 10-15 मिनट के अंदर अंदर पहुंच गया। आप आए, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आए, बुलाएं इनको अपनी अपनी जुबान में। इमरान साहब वो कारों वाली कापी आके दिखाएं, वो मेरा यकीन ही नहीं कर रहे, कहते तुम 50 रुपए ले रहे हैं, जब गाड़ी के 30 है तो 30 ही लेने हैं, मैंने आके बताया रहा इनको 30 लेने हैं और सारा दिन मेहनत करके पर्चियों पे से 10-10 रुपए के वो स्टीकर मिटाए गए हैं। अभी ये साहब जो है ना बड़े अच्छे अंदाज में अपने आप को डिफेंड करेंगे और ना इनके पास कोई NOC है, और कितने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने उनको बताया कि हाँ आओ भाई, वो मीडिया ले आए ने तुहाडा इंटरव्यू लैन, कि हुन इमरान साहब नहीं आते, हुन इमरान साहब नहीं आते, हुन तुहानू ही जरा ना डॉल्फिन वालिया नाल ना जाना पैना, इमरान साहब तुहानू उत्थे चढ़ा लाणगे। सर मैं क्यों जावां? ओ भाई तुम्हें नहीं पता लग रहा कि पर्ची तुमने किस तरह सारी टेम्पर की भी ले रहा हूं, जौन सी मर्जी गाड़ी निकलेगी, बाइक की पर्ची है, बाइक की पर्ची है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों टेम्पर किया हुआ सर, और किसी एक शख्स ने नहीं किया हुआ, कार की पर्ची नहीं दे के गया वो अभी, तो तुम वो मैं बता दे बाइक की पर्ची भी ना दो, तुम इधर को साथ को पिस्टल लगा के रखो, कोई आए उनके ऐसे खिलार जा, मैं दिख लोता, तुम पर्ची दो ही ना, आगे से हंस रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अकड़ देखें भाई, इसकी अकड़ देखें, और किस खूबसूरत अंदाज में इसने उसको बताया कि भाईजान आज वो मीडिया वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब वो सारा दिन यहाँ पे कभी भी नहीं दाखिल होगा, उसको इसने बता दिया कि मीडिया वाले आए हैं भाई, इधर ना आई, इधर मसला है, और बता रहे हैं क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अरसलान है। रोटी को चोची कहते हो? नहीं। आएगा वो मीडिया का सुन के यहाँ पे? सर अब मुझे नहीं पता, आप मिले यहाँ पे, आए आए आपको मिलते हैं सर। आपकी आपने कितने पैसे दिए? मैंने 40 रुपए दिए। कितने दिए? 40 रुपए दिए। किसको दिए? वो तो फरार हो गया, वो फरार हो गया, वो फरार काफी बंदों से लिया। आपको पर्ची दी है? आपसे नहीं, मैंने दूसरे बंदे। तो फिर आपने जिसको दी है ना, मैं वो भी दे गाड़ियों के दिए, गाड़ियों के भी देते हैं। तुम्हारे पास गाड़ी की पर्ची नहीं है, तुम अहल ही नहीं हो, तुम ऐसे इधर ड्रामेबाजी कर रहे हो। सर ये चले आए 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 बिस्मिल्लाह, आ जाए आ जाए आ जाए। ये सर ये ले, ये दूसरा बंदा किधर है? दूसरा बंदा भी यार, दूसरा बंदा आपने पकड़ा हुआ है? नहीं नहीं ये यार भाई के साथ आया, दूसरा निकल गया? नहीं नहीं निकल नहीं गया, दूसरा तो आपके पास था यार। नहीं
फिर इसके भी निकलने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आप जो है ना, नाज़रीन ये देखें, जिसका जितना जोर चलता है वो उतना चला रहा है। अब ये देखें, रोड पे बाइक्स लगी हुई हैं और टेम्पर्ड पर्चियां दे के जितना मर्जी चार्ज कर लें, जितने मर्जी पैसे ले लें, आपके इशारे भी तोड़ेंगे और फिर आपसे कहेंगे कि लॉक भी ना करके जाएं। और अल्लाह ना करे कि आपसे पर्ची गुम गई, फिर आपसे 300 लेंगे, 500 लेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। और अल्लाह ना करे अगर बाइक उठाएगी तो आपको पर्ची में से पढ़ के दिखाएंगे कि इस पर लिखा है कि सवारी अपने सामान की जिम्मेदार खुद है। तो भाई आप हमारे कौन से ऐसे इज्जत वाले रिश्ते में हो कि हम आपको पैसे दे रहे हैं? कोई ये आपके वालिद साहब की जगह है? ये ली पार्किंग जो पार्किंग कंपनी है भाई, ये आपकी जो है पर्चियां उठा के टेम्पर्ड करके यहाँ पे जितने मर्जी जो है तय ही जा रहे हैं। 10 रुपये अगर आपने रेट निकाला उस पर 30, 50, 100 चार्ज कर रहे हैं। या तो आप लोग मुलविस हैं कि क्यों आप इनको नहीं रोकते कि आप यहाँ पे आप किसी ब्रांड का नाम इस्तेमाल करें और उस पर हेर फेर करें, अगले दिन वो आपको अदालत में घसीटेगा और वहाँ पे छितर भी मारेगा। यहाँ पे पूरे लाहौर में ली पार्क की वो पर्ची लेके बैठ जाते हैं, उसको टेम्पर्ड करते हैं, 30 ले लें, 50 ले लें, और फिर ये है कि यहाँ पे अभी जैसे जैसे रश बढ़ेगा घंटे के हिसाब से पार्किंग होगी कि 1 घंटे का आपका 70 रुपये है, 2 घंटे का 150 रुपया। और वो एक कुछ साहब फरार हो गए हैं, कुछ को उन्होंने खुद फरार करवा दिया है। बुलाएं ना सुपरवाइजर, बुलाएं, बुलाएं अपना सुपरवाइजर, बुलाएं, बुलाया मैंने, बुलाएं अपना सुपरवाइजर, बुलाएं। सर साढ़े को नहीं पड़ी इमरान साहब आपको मिलेंगे आके, इमरान साहब मिलेंगे आपको आके और ताने आ जाएंगे, क्योंकि अब इमरान साहब कुछ हो जाए आज यहाँ नहीं आते, क्योंकि जिस खूबसूरत अंदाज में इसने निशानदेही की है ना कि आ जाएं, डॉल्फिन और मीडिया आपका इंतज़ार कर रहा है, आज कुछ हो जाए इमरान साहब यहाँ नहीं आते, ये मुझे पता। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा कि किस तरह से गरीब आवाम को लूटा जाता है और किस तरह से अपने चंद रुपयों के लिए आवाम को जलीलो ख्वार किया जाता है। सरकारी मुलाजमीन से ये लोग पैसे ले ही नहीं रहे और आम आवाम से 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया, 10 रुपये वाली पर्ची की मद में लिए जा रहे हैं। ये गैर कानूनी पार्किंग, बहुत से लोगों के पास तो पार्किंग के लिए NOC ही नहीं था, वो कहीं भी मुंह उठा के बैठ जाते हैं और पर्चियां लगा कर जो है लोगों को लूटने लग जाते हैं। और आवाम, मैं इसमें समझता हूँ कि बराबर की जिम्मेदार है कि पर्चियों के ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है, 10 रुपये लिखे होने के बावजूद वो आवाम से 30 मांग लें वो 30 दे देते हैं, 50 मांग लें 50 दे देते हैं, वो 100 मांग लें 100 देते हैं।